भाई जी सीधा अंटा सर नहीं कर रहे बच चुका है और इसके ऊपर ये बच चुका है। नवा शेर सुनावा शेर दे मुझे का अम्मा बैठी लैटरिन चे बाबा करदा चा। Guys, welcome back to my new video challenger. और आज का हमारा धमाकेदार चैलेंज ये है कि तो गाइस आज का हमारा धमाकेदार चैलेंज ये है कि हम पहले प्रोग्राम करेंगे, जो प्रोग्राम में जीत गया वो हारे लोगों को बताएगा कि क्या करना है, हम जीते की मानेंगे। Yeah! 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 लगे चलो प्रोग्राम करते हैं। आज का इनको मैं दूंगा एक धमाकेदार चैलेंज जो आपने कभी नहीं पहले देखा होगा। मैं हम हार चुके हैं, इसकी माने जो हमें ये कहेगा हम इसकी मानेंगे भी। आज मैं तो नहीं बचने वाला, मुझे पता है इसने बहुत धमाकेदार सारे बदले आज लेने हैं। आज का ये बदला सबसे खतरनाक होने वाला है, वाला भी। तो गाइस चले आज हम चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बैठ जाओ यहाँ पर। तो अभी मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया, अगर ये अपनी जगह से यहाँ से हिले तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। इनको ये अंडे और ये बलून के साथ इन पर हमला किया जाएगा, और अगर जो हारा उसको एंड पर बहुत सारे थप्पड़ और ठुड्डे पड़ेंगे। कबूल है तुमको ठुड्डे? कबूल है। तो अभी हम अपने चैलेंज का शुरुआत करने जा रहे हैं। इन्होंने किसी ना किसी तरीके से मुझे हंसाना है, अगर ये हंसाने में कामयाब नहीं हुए तो इनको ये बलून और ये अंडों के साथ हमला कर दिया जाएगा और ये घर खाली हाथ नहीं जाएंगे। यस यस यस। हम जाना भी नहीं चाहते, हम जाना भी नहीं चाहते। कौन है ये लोग? तो गाइस इनका चैलेंज की ये फर्स्ट चैलेंज शुरू होने जा रहा है। इन्होंने किसी ना किसी तरीके से मुझे हंसाना है, सो मुझे किसी ना किसी तरीके से मुंह देखा शक्करकंदी का मुंह में जाए। पहला चैलेंज इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये बोलकर अभी पर हमला किया जाएगा। तुम्हें पता नहीं था? पता नहीं था? इन्होंने मुझे ये बोलकर मुझे गुस्सा दिला दिया, ये बलून के साथ इनका ये सत्यानाश कर दिया जाएगा। जो मुझे तंग करेगा उसको मार दिया जाएगा। अब मून की बारी, बोलो कुछ। आप बहुत अच्छे हैं। शाबाश बेटा। तो गाइस जिस तरह से आप देख रहे हैं एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो गाइस मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। तो जो सबसे गंदी जुगत मारेगा उसे एक बगारा मार दिया जाएगा। तो जिस तरह मून ने मारी है तो उसका सत्यानाश अभी होने जा रहा है। यस। अरे नहीं भैया ऐसा मत करो। तो ये बगारा भी मून के मुंह में बदलेगा जिस तरह आपको हंसी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं हंसी आ रही। मैं खुश हूं। तो इन दोनों को एक एक बगारा बच चुका है। नया ट्विस्ट है कि इन्होंने एक दूसरे को इंग्लिश में जुक्ते मारनी है। अभी इनकी इंग्लिश देखने वाली है। What do you not have in you? What do you plan yours? Not have in you? Not have had your chance? What is your television lying? And what is the padmaring? What is under release carrying? What is it publish showing? Yeah! ये सबसे गंदी जगह मून ने मारी है, इसको एक अंडे की सूरत में, अभी इसको अंडा एक पड़ चुकेगा और अभी मारा जाएगा। यार मैंने तो अच्छी मा तो अभी गाइस ये अंडा आ चुका है, ये मून मरेगा। वो इसने मारना सिर पर, सिर पर इसने ये फोकी जुगते मारी है और इसको भी ये फोकी जुगते वालों का इसके ही याद होता है। अभी आप बताएं इसको अंडा मारूं करा मारूं इसके सिर पे मारना तो यार ना मारे यार सिर पे सिर पे सिर पे उस जैसे चोट लग जाए सिर पे मारो सिर पे मारो सिर पे। तो गाइस अंडा बच गया। अंडा 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 गोरा बिगा अंडा गोरा बिगा अंडा अंडे का अंडा। अभी मैं पैंट उतार देने लगा हूँ। मून अगर आपने पैंट उतारी तो आपको एक बलून और कहाँ पड़ेगा? मैं उतारूंगा चाहे लग जाए बलून। पैंट उतारने लग गया। यस नहीं उतारूंगा नहीं उतारूंगा। अभी मेरे अंडा पड़ेगा। कैसे किसी निकल निकल जाने के लिए अंडे का टेस्ट कैसा था? अंडे का टेस्ट बड़ी बात नहीं, अगली दफा मैं ऐसी जुगत मारूंगा। मजा आया। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एक और अंडा लेके, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था। तो भी इनसे एक और सवाल पूछा जाने लगा है, जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसे अंडा नहीं बजेगा, जो गलत देगा उसे अंडा बजेगा। तो अभी मैं इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मून से, तुम किस तरह के इंसान हो, दुनिया में क्या करना चाहते हो? मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ
के अंधेरे में और रोशनी में अंधेरा कर दूं। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। बन सकता है कोई ऐसा इंसान है को मेरे जैसा? मैं रोशनी में अंधेरा करना चाहता हूँ। ये गाइस पागल हो चुका है, ये चाहता है कि इस पूरी दुनिया में अंधेरा कर दे और अगर ये चुटकी बजाए तो रोशनी हो जाए। ये मैं ऐसा ही चाहता हूँ, अगर होगा ये 3 दिन में हो जाएगा। ये मेरा चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। तुम्हें सजा देनी चाहिए इसको, सजाए मौत देनी चाहिए। अदालत इसे सजा दे, सजा दे, ये मौत दे, ये झूठ बोलता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दुनिया का अलग इंसान बनना चाहता हूँ, ये मुझे बनने नहीं दे रहे। आप मेरा साथ दें और ये मेरे साथ गलत कर रहे। ये आइंस्टाइन का बच्चा है, ये आइंस्टाइन का बच्चा है, बिल गेट्स का है, बिल गेट्स का। तो अभी हम बबलू से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन सा शख्स है, क्या करना चाहता है दुनिया में, बताओ। मैं ऐसी पैन याद करना चाहता हूँ कि अगर दूर से मुझे पता चल जाए किसने बैट्समैन मारी है, अगर उसकी तरफ मैं ऐसे पैन को मारता हूँ, मुझे पता चल जाए किसने बैट्समैन गंदी मारी है, ताकि उसको सजाए मौत नहीं, सजाए कैदी दी जाए। उसके घर वालों को भी ऐसा तो मैं भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए, उसे सजाए मौत दी जाए, उसे गंदी तारों के साथ बांध दिया जाए, उसे फांसी दी जाए। जिस तरह से घटिया काम करते हैं, बैट्समैन मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, बैट्समैन मारने वालों को सजाए मौत। आप भी बैट्समैन मारते हैं, बताओ। आप मारते हैं तो बताएं। हम दोनों तो रल चुके हैं, पार्टनरशिप बन चुके हैं, हाथ मिला। तो इस बंदे ने लोगों को तंग करने का ठेका ले लिया है। उसको अभी एक अंडा बजने लगा है, क्योंकि इसके बजना चाहिए, क्योंकि अगर इसने इस तरह से मालूम कर लिया, लोग पकड़े जाएंगे, सैकड़ों लोग तबाह हो जाएंगे, उसके घर तबाह हो जाएंगे, लोग उसे। हाँ जी, नहीं नहीं, ये होना चाहिए, ये होगा। लोग सर्दियों को कमरा गर्म कर देते हैं, मुझे पता नहीं चलता कौन मारता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा। ये लोगों की फैमिली उजाड़ देगा, इसे एक अंडा बजना चाहिए, क्योंकि इस तरह से गलत कदम ना उठा सके। लेकिन ये बात गलत है और मैं इसको साबित कर रहा हूँ। लड़कियाँ कहती हैं हम बैट्समैन नहीं मारते, लड़कियाँ मारती हैं, लड़कियाँ मारती हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बबलू का कहना है कि गुनहगार ही वो है, वो इसको तो मेरे वैसे ही बदनाम किया है। बबलू का कहना है तो इसको एक अंडा जरूर बजना चाहिए, जरूर बजना चाहिए, जरूर बजना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, इट्स माय ऑर्डर। उनको बिचारियों को दी है, किसे एक अंडा बजना चाहिए। लड़कियां करती आते हैं, इसके अंडा बज चुका है, इसके अंडा, इसके एक अंडा बज चुका है। पूरे आप लोग चाहते थे कि इसके अंडा बजे, कोई गंदा शख्स है, इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका मून भी साथ दे रहा है, उसके एक बलून जरूर बजना चाहिए। क्या सीन है, शेरो शायरी किस तरह से की जाती है, और दिखाऊंगा कि फनी शेरो शायरी क्या होती है। तो सबसे पहले भी मून शेरो शायरी के बारे में सुनाता हूं। पहले मैं सुनाता हूं। आइवन शेर सुनावा। शेर दे मुझे का अम्मा बैठी लैटरिन चे बाबा करदा चा। अब मेरा भी तो सुनो, इसकी बारी। शेर सुनावा, शेर नु लगी थाली, तुसी मेरे बाल बच्चे, मैं तेरी थाली। तो मून की फोकी जुकते सुनकर मून को एक गात बजना चाहिए। इट्स माय ऑर्डर, सुबह मिलनी चाहिए इसको। आज ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा वैसे आपको करना नहीं चाहिए। चीटिंग करता है तू के अभी इसकी इतनी फोकी जुगत भी नहीं थी, थोड़ी बहुत सही थी, तो इसके लिए हम ये छोटा बलून लेके आ चुके हैं। इसके ऊपर हमला भी करने लगे हैं। छोटा तो ठीक है, मुंह पे इसके मुंह पे ऊपर बजने लगा है। तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और इसके ऊपर ये बच चुका है। मजा आ गया, इसके साथ बहुत बुरा हाल हो चुका है। इनके पास बहुत गंदी स्मेल आ रही है, गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ फिर से ये दो बलून्स लेके, इसके ऊपर ये बहुत गलत अभी काम होने लगा इन दोनों के साथ। बलून सी बरसात होने लगी है, अभी बहुत सारे बलून पीछे पड़े हैं, तकरीबन 100 घरे पड़े हैं, और इनको दो पकड़ाए जाएंगे। ये एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि जो शख्स बोर हुआ वो एक दूसरे को बघारा मार डालेगा। गाइस एक मिनट देखे, मैं इस लड़के को बघारे मारने लगा हूँ।
इधर मार दिया, मैंने तो मार दिया, मजा ही नहीं है इसके, मेरा मजा ही नहीं है गाइस, मुझे मार दिया बुखारे इन्होंने। गाइस अभी मैं इनको एक और चैलेंज देने लगा, वो भी बहुत धमाकेदार है, बहुत ही धमाकेदार। तो इन्होंने करनी है एक्सरसाइज, जो इन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की उसको इनाम दिया जाएगा, जिसने खराब की उसको फिर से कंडा मार दिया जाएगा। तो शुरू करो। क्या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज में करना क्या है पहले बताओ। एक्सरसाइज कंधों की एक्सरसाइज, टांगों की एक्सरसाइज, तो गाइस अभी इनकी एक्सरसाइज होती है एंड। तो अभी मैं बताऊंगा कि किसकी मुझको एक्सरसाइज अच्छी लगी है। यार दोनों में किसी ने अभी गंदी एक्सरसाइज दोनों ने की है, बहुत ही खराब की है, बहुत ही जलील एक्सरसाइज की है। मैंने इंटरनेशनल वहां से सीखी है, मैंने कबड्डी से सीखी है। अरे भाई मैं तो कुत्तो जो खेलते हैं मैं वहां से सीख कर आया हूँ। तो गाय मुझे इनकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। अब इनको अंडे पड़ने जा रहे हैं। नहीं अंडा बच चुका है इसके, अभी मून की बारी है, मून की बारी है। अभी मून अपना सर सीधा करो। गाइस देखिए इसके भी ये पढ़ने लगे जो गाइस सीधा अंडा सर नहीं कर रहा। तो गाइस अभी इस चैलेंज का होता एंड। और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।